लाइफस्टाइल विद शेज में आप सबको खुशामदीद। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई, वो भी घर के मसालों से। ये देखें, हमने लाल मिर्चे पाउडर लिए हैं, कुटी हुई मिर्चें ली हैं, हल्दी, नमक, काला नमक, सफ़ेद नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये सूखे मसाले के अंदर हमारे पास ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, सौंफ है, धनिया पाउडर है, इसको हमने तवे पे भून कर और मोटा मोटा कूट लिया था, और ऑयल लिया है 6 चम्मच, हमने कढ़ाई में डाल दिया है, और टमाटर जो लिए थे हमने 6 अदद, उनको पीस कर पेस्ट बना लिया है। अब इसके तेल के अंदर हमने गोश्त डाल दिया है, अपना हड्डी वाला गोश्त है हमारा, थोड़ा सा गुलाबी करके इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर इसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे, जो हमने पीस के रखे थे वो टमाटर डाल देंगे, जो हमने ज़ीरा और सौंफ वाला अमेजे को तवे पे भुना था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हल्दी, नमक, लाल मिर्चें, कुटी मिर्चें, लहसुन अदरक वो शामिल कर देंगे, और जो गोश्त हमने कढ़ाई से बाहर निकाला था वो भी डाल देंगे, और इसको अच्छे से भूनेंगे पानी डालकर, गलने छोड़ देंगे, और जब गल जाएगा तो उसको भूनेंगे। भूनने के बाद हमारा रोगन ऊपर आ गया है, इसके ऊपर हरी मिर्च चाक करके, और हरी मिर्च और अदरक से हमने इसको गार्निश कर दिया है।